हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरि बोल। आज हम करताल के लेसन्स सीखेंगे। वी विल लर्न मेनी लेसन्स अबाउट हाउ टू प्ले करताल इन द कीर्तन्स। सबसे पहले आपके पास ये इस तरह की करताल की थैली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम करताल रखते हैं। लेसन नंबर वन, हाउ टू होल्ड करताल, कैसे करताल हाथ में पकड़े। दिस इज अवर लेसन नंबर वन। तो आपको क्या करना है, देखिए, करताल ऐसी पकड़नी है, एक करताल ऐसी पकड़नी है, उसका धागा इस तरह से हाथ में पकड़ना है और उंगली पे इस तरह से, उंगली पे ऐसी उंगली करनी है और इस तरह से 45 डिग्री के एंगल में करताल रखनी है। ओके। और आपको ये धागा है ये करताल के बहुत नजदीक से ऐसा लेके जाके रोटेट करना है, एक दो इस तरह से। बचा हुआ धागा ऐसे पकड़ सकते हैं और फिर ये मतलब हाथ में बहुत अच्छे से आ गई। देखो ये ऐसा जे तैयार हो गया और हाथ में ग्रिप और अंगूठा दबाया तो पूरी करताल मेरे कंट्रोल में है, ये करताल पूरे मेरे कंट्रोल में है। वैसे ही अभी ये हाथ में पकड़े हुए पर इसको छोड़ना नहीं है, तो ये हाथ से ये दो उंगलियों से फिर ये धागा पकड़ना है। इस तरह से ये धागा पकड़ेंगे तो ये उंगली ऐसी, ये धागा ऐसा। ओके। तो इस तरह से 45 डिग्री की में खींचना है और 45 डिग्री में के वक्त करताल आ गई तो ऐसा रोटेट करना है कि करताल के नजदीक से दौरा जाए, धागा करताल के नजदीक से ऐसा लेके जाना है। ठीक है। तो दोनों करताल फुल मेरे कंट्रोल में, मैं चाहे तो लूज भी छोड़ सकता हूं, चाहे तो फिट भी रख सकता हूं। ओके। नहीं तो दूसरा यह है कि एक तो ऐसा कीजिए, नहीं तो करताल को देखो ऐसे करते वक्त हमने क्या किया, धागे को करताल के नजदीक लेके गए। अभी ये एक मेथड है, दूसरी मेथड है करताल को धागे के नजदीक से, देखो ऐसा करताल को धागे के नजदीक से लेके जाए ताकि धागा फिट बैठेगा। देखिए ऐसा पकड़ा, अभी धागा नहीं, अभी करताल को धागे के बहुत नजदीक से लेके जाना है ताकि अच्छे से ग्रिप बैठे। फुल करताल मेरे कंट्रोल में। अभी 3 घंटा 4 घंटा कीर्तन में बजाते रहो और कीर्तन का आनंद लेते रहो, भगवान को प्रसन्न करते रहो। ये लेसन नंबर वन हो गया, हाउ टू होल्ड करताल। लेसन नंबर टू, फुल क्लोज बीट, हाफ क्लोज बीट एंड ओपन बीट। पूरा ओपन पूरा क्लोज बीट ये है, फुल क्लोज, हाफ क्लोज और ये एक दूसरे के ऊपर। फुल क्लोज के वक्त भी अंगूठे दबाए रखने हैं, ये देखो फुल ग्रिप आ गई है करताल की, अंगूठे दबाए रखने हैं एक दूसरे के, फुल क्लोज। और हाफ क्लोज में भी अंगूठे दबाए रखे हुए, क्लोज सम, ये साउंड है क्लोज सम। अभी सबसे महत्वपूर्ण साउंड ओपन साउंड। देखिए दोनों धागे मेरे हाथ में पैक बैठे हुए। ओपन साउंड में क्या करना है, ऐसी करताल लानी है और एक दूसरे के ऊपर बजाने के वक्त अंगूठे छोड़ देने हैं ताकि थिरक थिरकनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर करताल थिरकनी चाहिए। क्लोज साउंड, ओपन साउंड, देखो एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेट हो रही है। आते वक्त अंगूठे छोड़ दिए। ये रहा लेसन टू। लेसन थ्री,
सबसे बेसिक बिट जो सारे मंगल आरतियों में, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, जय राधा माधव, भोग आरती, संध्या आरती, शयन कीर्तन, गुरु पूजा, सारे इसमें ये बजाए जाने वाला बिट, 1 2 3, थोड़ा सा गैप मेरे पीछे पीछे बोलिए, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप। अभी गैप बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा बोलिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें से वन साउंड ये क्लोज है, देखो अंगूठे दबे हुए हैं, सेकंड साउंड क्लोज है, और थर्ड साउंड थिरक गए एक दूसरे के ऊपर, करताल थिरकनी चाहिए, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप। अभी गैप हमेशा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसके लिए गैप बोलना छोड़ दीजिए, सिर्फ बोलिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्लोज क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज ओपन। ये रहा लेसन नंबर 3। अभी लेसन नंबर 3 में ये हरे कृष्ण महामंत्र में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बीट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए, हरे के बाद का जो कृष्ण है क्री, तब थर्ड बीट बजेगा, और जब हरे राम के, हरे के बाद वाले राम जो है उसमें भी राम के रा के वक्त थर्ड बीट बजेगा। ये बात सिर्फ आप ये महामंत्र में ध्यान रखिए, देखो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, याद रखिए हरे के बाद के कृष्ण के क्रीप के ऊपर थर्ड बीट आएगा, और हरे राम के रा के वक्त थर्ड बीट, इतना सिर्फ ध्यान रखिए, और बाकी ज्यादा सोचिए मत, इसके ऊपर वो बीट आ रहा है इसके ऊपर, फिर सिर्फ ये दो बात ध्यान रखिए और कीर्तन का आनंद लीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, आराम से गाइए, करताल बजाइए, अपने आप सब कुछ अंदर से को रिवील हो गए अलग अलग बीट्स। सिर्फ ध्यान रखिए कृष्ण के वक्त थर्ड बीट, राम के वक्त थर्ड बीट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यह रहा लेसन नंबर 3 बिट। तो ये बहुत सारे तालों में इस्तेमाल होता है, कहरवा ताल, द्रुत कहरवा ताल में, फास्ट बिट,
और दाशपेरे ताल में भी ये 1 2 3 1 2 3 सारे आरतियों में यही बीट बजती है। अभी हम सीखेंगे तिहाई या तोड़ी। अभी मानो जैसे कि सब्जी के ऊपर हम धनिया पत्ता डालते हैं, खोबरा डालते हैं, सब्जी को डेकोरेट करते हैं, नहीं तो सब्जी ज़्यादा मीठी नहीं लगती। आइसक्रीम के ऊपर भी कुछ तो टॉपिंग्स डालेंगे, कुछ तो क्रीम से निकालेंगे, इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो इसी तरह से अभी 1 2 3 1 2 3 चलता रहेगा तो मज़ा नहीं है, कुछ तो बीच बीच में अलग अलग प्रकार होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं तोड़ी या तिहाई। तिहाई क्यों? जो 3 बार बजती है। तो उसका बीट आप ध्यान में रखिए, बहुत आसान है। बोलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 3 1 2 3। अब ये 1 2 3 4 5 क्या मसला है मैं समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 3 बार बजे इसके लिए वो तिहाई। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 5 वन मतलब 1 2 3 4 5 के वक्त थोड़े से अंगूठे खोलने हैं, ज्यादा नहीं खोलने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और जब तीसरे बार बजेगा 1 2 3 4 बोलना है 3, क्योंकि अगला वापस रोटेशन चालू होगा 1 2 3 का। 1 2 3 1 2 3 1 2 बज गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 के बाद तुरंत उठेगा तिहाई और खत्म होने के वक्त आखिरी का 5 निकल जाएगा, वापस 3 में आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 3। अब ये चौथा लेसन तिहाई या तोड़ी का कीर्तन में कैसे उपयोग होता है देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए लास्ट का जो हरे है, सबसे लास्ट के हरे में शुरुआत होती है 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब 3 आता है तो नेक्स्ट महामंत्र के हरे वाला बाद वाला कृष्ण आता है। वापस ध्यान दीजिए, देखिए लास्ट का जो हरे है, लास्ट के हरे के वक्त तिहाई चालू होती है। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 चालू होता है, फिर 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब 3 बीट बजता है तो ध्यान रखना है नेक्स्ट महामंत्र चालू हो जाए, और नेक्स्ट महामंत्र चालू होने के बाद हरे के बाद वाले कृष्ण का क्रिया आ जाए। बहुत आसान है, देखिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। यह रहा लेसन नंबर फोर, तिहाई या तोड़ी। अभी सबसे महत्वपूर्ण लेसन नंबर फाइव, फास्ट रिदम्स, फास्ट बीट्स कैसे बजाते हैं कीर्तन में। जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, वन नीचे की करताल का हिस्सा, ये नीचे वाली करताल का ऊपरी का हिस्सा ऊपर वाले करताल के निचले हिस्से को लगेगा और एग्जैक्ट नेक्स्ट बिट स्वैप हो। वन टू थ्री, और इसमें ज्यादा ओपन क्लोज का समय नहीं है तो थोड़ा सा ओपन कर, थ्री के वक्त थोड़ा सा ओपन कर। देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री। पर क्या है, अभी हाथ को आदत नहीं है तो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी, पहले हाथ को आदत डालना है, हाथ को मोमेंटम की आदत डालना है। तो क्या करें, पहले एक हफ्ता आप ये बीट प्रैक्टिस करें, ऐसा ऊपर से नीचे लाइए, वन ऊपर से नीचे लाते वक्त इस करताल का निचला हिस्सा इस करताल के ऊपर के हिस्से को लगना चाहिए, वन। फिर दूसरा बीट नीचे लाइए, नीचे लाते लाते ये निचले करताल का ऊपरी हिस्सा ऊपरे करताल के नीचे को लगेगा, टू। और वापिस थ्री, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसा प्रैक्टिस करते ये रहिए एक हफ्ता भर करते ले, ताकि हाथ को मोमेंटम का आदत हो जाएगा। वन टू थ्री, वापिस वन टू थ्री, वन टू थ्री के बाद उल्टा नहीं जाना है, वापिस वन चालू करना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसा बहुत बार प्रैक्टिस करते रहिए। हफ्ता भर प्रैक्टिस किए फिर दबाने का, तीसरा बीट दबाने वाला है, फिलहाल मत दबाइए, फिलहाल हाथ को मोमेंटम दीजिए। देखिए वन टू थ्री, 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 वन टू थ्री। इसमें दबा के रखिए, हाथ को ऐसे दबा के रखना, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री। फिर प्रैक्टिस कीजिए वन टू थ्री, एक हफ्ता भर बाद आपके हाथ पे मोमेंटम की आदत हो गई, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। थर्ड बीट थोड़ा, वन टू और इसमें भी थर्ड बीट हरे कृष्ण के क्री के वक्त थर्ड बीट आएगा, हरे कृष्णा, समझे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे।
वन टू थ्री के वक्त थोड़ा दबाना है, पर दबाते वक्त थोड़ा हाथ थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं, इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का दूसरा भाग जरूर देखिए, जिसमें हम दो ताल सिखाएंगे, रूपक ताल सिखाएंगे, करताल के दादरा ताल सिखाएंगे, झपताल सिखाएंगे, लोफा ताल सिखाएंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।